बचपन से अनाथ ही किशोर की परवरिश की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ली है। 16 साल का विशाल नाम का ये किशोर मानसिक व शारीरिक रूप से दिव्यांग है। इससे पहले विशाल को फरीदाबाद के जगपाल और जगवंती ने गोद लिया था। उसका ठीक तरह से लालन पालन हो रहा था, लेकिन कोविड की वजह से 14 मई को जगपाल की मृत्यु हो गई। एक हफ्ते बाद जगवंती भी नहीं रही। ऐसे में विशाल एक बार फिर से अनाथ हो गया। इन दिनों विशाल हरियाणा के गुरुग्राम में दीपाश्रम नामक संस्था की तरफ से चलाए जा रहे स्कूल में पढ़ रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को जब गुरुग्राम पहुंचने पर जानकारी मिली कि माँ बाप की मौत के बाद दिव्यांग विशाल एक बार फिर से अनाथ हो गया है, तो उन्होंने उससे मुलाकात कर खुद उसकी परवरिश की जिम्मेदारी ले ली। विशाल बोल पाने में भी असमर्थ है। जो बच्चे विशेष तौर पर इस कोविड के कारण से ऑर्फन हुए, कल ही हमने इसकी एक योजना मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना इसकी घोषणा की थी, और प्रधानमंत्री जी ने भी पीएम केयर्स फंड के माध्यम से ऐसे बच्चों को उनकी पढ़ाई, उनका रखरखाव, और वो 23 साल तक उनका योजना सारी बनाई गई है। और आज भारतीय जनता पार्टी का सेवा दिवस भी है, तो इस नाते से हमको ये पता लगा कि एक बालक ऐसा है जो पहले भी अनाथ था, बाद में जिस माता पिता ने इसको अडॉप्ट किया, दुर्भाग्यवश वो भी नहीं बच पाए। एक तो उनमें से कोविड के कारण से उनका देहांत तो हो गया, और दूसरे भी उनके माताजी भी चल बसे, तो आज फिर वो बच्चा अनाथ हुआ है। तो उस नाते से ऐसे बच्चों की सहायता के लिए जो हम लोगों ने योजना बनाई है, निश्चित रूप से ऐसे बच्चों का जीवन वो आगे भी ठीक से चले, उनका पालन पोषण ठीक हो, उनकी पढ़ाई ठीक हो। लेकिन यहाँ ये जो बच्चा आया है, ये MR है, मेंटली रिटार्डेड है, तो यहाँ जो सेवा कर रहे हैं, जो संस्था है यहाँ, ये संस्था भी इन बच्चों की जो सेवा कर रही है, बहुत ही सराहनीय काम है। मैं इनको शुभकामना देता हूँ, और ऐसे जो आश्रम है इनकी आगे चल करके हरियाणा सरकार निश्चित रूप से उन्हें कोई सहायता भी करेगी, ताकि ऐसे बच्चों को कोई पालन पोषण में उनको कठिनाई ना आए। इसको हमने सरकार के नाते से अडॉप्ट किया है। इसकी जितनी भी केयर है, जितना भी उसका खर्च है, वो सब हम पे करेंगे। गुरुग्राम की दीपाश्रम नामक संस्था ने विशाल को मुख्यमंत्री खट्टर को गोद देने से पहले हरियाणा बाल कल्याण परिषद से ऑनलाइन मंजूरी की प्रक्रिया पूरी की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कोविड काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू करने का भी ऐलान किया। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से बलवंत तक्षक की रिपोर्ट।